वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, स्केलेटल सिस्टम। तो आज अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जो अपना स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में क्या है? अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम में वो बनता कौन सी चीजों से मिलके स्केलेटल सिस्टम बनता है अपना? तो सबसे पहले क्या है? बोन। बोन के अंदर क्या है? बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन क्या है? बोन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग और एक ड्यूरेबल क्या है टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। बोन बनती किससे है? बोन के अंदर क्या है? वाटर होता है 25%, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है 20% और इनऑर्गेनिक होता है 50%। इन तीनों चीजों से मिलके क्या है अपनी बोन बनती है। नेक्स्ट अपनी स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लॉन्ग बोन है, ठीक है, शॉर्ट बोन है, इरेगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, सिस्मॉइड बोन है, ये क्या है बोन की स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिस्मॉइड बोन, जो टाइप हैं बोन के उनके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, बोन को माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं तो किस टाइप की दिखती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पंजी बोन, बोन सेल, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू, फंक्शन ऑफ बोन। तो बोन जो है, बोन के अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे? स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन सबसे पहला पॉइंट जो है अपना वो क्या है? बोन के बारे में अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो बोन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनी है, बोन क्या है, बोन के टाइप कौन से हैं, बोन की स्ट्रक्चर कौन सी है, बोन की जनरल स्ट्रक्चर है, लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर है, शॉर्ट बोन जो है उसकी इरेगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, सिस्मॉइड बोन है, बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखेंगे उसको। कॉम्पैक्ट बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पंजी बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, बोन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर अपन फंक्शन ऑफ बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में क्या अपन डिस्कस करेंगे। तो बोन के अंदर अपने को ये पॉइंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है, दो टाइप से किया हुआ उसको, एक एक्सियल स्केलेटन होता है और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटन को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है, एक्सियल स्केलेटन होता है, देन आफ्टर क्या होता है आपका, अपेंडिकुलर। तो सबसे पहला क्या आपका, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन किन चीजों से मिलकर बना है? स्कल। स्कल में क्या देखेंगे अपन, क्रेनियम, फेस, साइनस, फंटेन्स ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, टिपिकल वर्टिब्रा, स्पेशल फीचर ऑफ वर्टिब्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज। तो एक्सियल स्केलेटन जो है उसके अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे? स्कल के बारे में करेंगे, क्रेनियम, फेस, साइनस, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, टिपिकल वर्टिब्रा, स्पेशल फीचर ऑफ वर्टिब्रा, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, इनके बारे में क्या है अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना जो सेकंड टाइप है वो क्या है, अपेंडिकुलर सेक्शन। अपेंडिकुलर सेक्शन जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या आता है, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिंब आती है,
पेल्विक ग्रेडेड लोअर लिम्ब आती है, ये क्या है दो, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसके उसके अंदर अपने कौन से पॉइंट आते हैं, शोल्डर ग्लेड एंड अपर लिम्ब और पेल्विक ग्रेड एंड लोअर लिम्ब, ये क्या है अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। और एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज आती है, अपनी स्कल आता है, क्रेनियम आता है, फेस आता है, साइनस आते हैं, फ्रंटल ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, टिपिकल वर्टिब्रा, स्पेशल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रा एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, ये क्या है एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और अपेंडिकुलर में अपने दो चीजें आती हैं, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिड एंड लोअर लिम्ब, ये केस में आती है अपनी अपेंडिकुलर स्केलेटल में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा हीलिंग ऑफ द बोन। तो हीलिंग ऑफ बोन में क्या है, बोन की हीलिंग कैसे होती है, और सबसे पहले क्या है फैक्टर दैट डिले हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर होगा तभी क्या है बोन की हीलिंग होगी, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिले करते हैं किसकी, बोन की हीलिंग को, ठीक है। देन आफ्टर अपन फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फ्रैक्चर। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, बोन। बोन क्या है, बोन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन बनती किससे है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 25% वाटर, 25% ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग कार्बो कंटेनिंग पार्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड बोन सेल। क्या होता है 25% होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो कितने होते हैं 50% होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मैनली कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट है वो आता है इसके अंदर। ऑल द बोन आर ओपन थ्रू द बी स्टेटिक और परमानेंट, दे आर हाईली वेस्कुलर लिविंग स्ट्रक्चर देट आर कंटिन्यूसली बींग रिमोडल्ड। तो बोन है, बोन क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल टाइप का क्या है कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वाटर होता है 25%, 25% क्या है बोन सेल होती है, कार्बोनेट पार्ट होता है, और 50% क्या होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसके अंदर मेनली क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्या है अपना, टाइप ऑफ बोन। बोन आर क्लासिफाइड, बोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बोन आर क्लासिफाइड लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, प्लेट बोन और सिस्मोइड बोन। तो बोन को जब क्लासिफाई किया गया, टाइप जो है बोन के वो कौन से हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सिस्मोइड बोन, ये क्या है अपने बोन के टाइप होते हैं। तो कौन से टाइप है, लॉन्ग बोन हो गया, शॉर्ट बोन हो गया, इरेगुलर बोन हो गई, फ्लैट बोन हो गई और सिस्मोइड बोन हो गई, ये क्या है अपने बोन के टाइप है। नेक्स्ट क्या है अपना, सबसे पहले लॉन्ग बोन, दीज कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज, ये क्या है एक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दो एक्सट्रीमिटीज से मिलके बनी होती है, एज द नेम सजेस्ट द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द विड्थ। इसकी जो लेंथ है वो क्या है अधिक होती है, किसकी तुलना में, विड्थ की तुलना में, इसकी चौड़ाई की तुलना में इसकी लेंथ है वो क्या है अधिक होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है, ये क्या है अपने लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल हैं। तो लॉन्ग बोन है जो वो किससे बनती है, कंसिस्ट ऑफ ए शार्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज, दो चीज
एज द नेम सजेस्ट द लेंथ इज मस्ट ग्रेटर देन द वेट. इसके एग्जाम्पल क्या है? फीमर, टीबिया एंड फिबुला. नेक्स्ट क्या है अपना? शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, प्लेट एंड सिस्मोइड बोन. दे हैव नो शाफ्ट और एक्सट्रीमिटीज आर डिराइव्ड इन शेप एंड साइज. साइज एग्जाम्पल शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल क्या है? कार्पल्स, रिस्ट बोन, इरेगुलर बोन, वर्टिब्रा एंड सम स्कल बोन. प्लेट बोन के क्या है? स्टर्नम, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन. ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं. तो लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिस्मोइड बोन में क्या डिफरेंस है? जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर क्या है? शाफ्ट प्रेजेंट होती है और टू एक्सट्रीमिटीज होती हैं. बल्कि जो शॉर्ट और इरेगुलर और जो फ्लैट बोन है इसके अंदर क्या है? कोई भी शाफ्ट प्रेजेंट नहीं होती और ना ही इसके अंदर एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होती. लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या है? फीमर है, टीबिया है, फिबुला है. और जो अपनी शॉर्ट बोन है उसका एग्जाम्पल क्या है? कार्पस, जो रिस्ट बोन हो गई. इरेगुलर बोन का क्या है? वर्टिब्रा और कुछ स्कल की बोन है. प्लेट बोन का क्या है? स्टर्नम है और रिब्स हो गई, स्कल की बोन हो गई. और सिस्मोइड का क्या है? जो पटेला है, जो नी कैप है, वो किसका एग्जाम्पल है? सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक? बोन स्ट्रक्चर. बोन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? ये बोन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है. तो बोन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज दिखाई गई है? ये दो एपिफाइसिस है, ये डाइफाइसिस है. क्या है? दो एपिफाइसिस है, एक डाइफाइसिस है. ठीक है. ये जो स्पंजी बोन है ये किसका कंटेन है? कंटेन रेड बोन मैरो का क्या कंटेन है? ठीक है. ये मेडुलरी कैनाल है, ये कॉम्पैक्ट बोन दिखाई गई है इसमें. ठीक है. ये न्यूट्रिएंट आर्टरी दिखाई गई है और ये हाइलैंड कार्टिलेज दिखाया गया है. तो बोन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज दिखाई गई अपने को? दो एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, एक डाइफाइसिस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं. जो स्पंजी है वो क्या रेड बोन का, बोन मैरो का क्या है? कंटेंट है. ठीक है. और ये क्या है? मेडुलरी कैनाल है, जो किससे कंटेंट रहती है? येलो बोन मैरो से कंटेंट रहती है. ये क्या है? कॉम्पैक्ट बोन दिखाई गई है. देन आफ्टर क्या है? न्यूट्रिएंट आर्टरी दिखाई गई है किसमें? इन फोरमैन में. और ये क्या है? हाइलैंड कार्टिलेज शो किया गया है. जो एपिफाइसिस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं. तो बोन जो जो स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो बोन किससे बनी? डाइफाइसिस है. और दो इसके अंदर क्या है? एपिफाइसिस और एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होते हैं. तो डाइफाइसिस है वो किससे बनता है? डाइफाइसिस बनता है अपना कॉम्पैक्ट बोन से, जो क्या है? सेंट्रल विद ए सेंट्रल मेडुलर कैनाल कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो. तो इसके अंदर क्या दिखा है? कंटेनिंग फैटी फैटी येलो बोन मैरो दिखाया गया है. देन आफ्टर क्या है? द एपिफाइसिस. एपिफाइसिस किससे बना? द एपिफाइसिस कंसिस्ट ऑफ ए आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. एपिफाइसिस किसका है? जो आउटर बोन, आउटर कवरिंग है बोन की, उससे बना है विद बोन इनसाइड. द डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस आर सेपरेटेड बाय द एपिफाइसिस कार्टिलेज. ये किससे अलग अलग होते हैं? एपिफाइसिस कार्टिलेज से अलग अलग होते हैं. जो लॉन्ग बोन है वो लगभग किससे कवर्ड रहती है? कंप्लीटली कवर किससे रहती है? वेस्कुलर मेम्ब्रेन से. क्या है ये? कंप्लीटली कवर रहती है. जो आउटर लेयर है वो किसकी होती है? फाइब्रस की. और जो इनर है वो किसकी होती है? ऑस्टियोजेनिक कंटिंग ऑस्टियोब्लास्ट या बोन फॉर्मिंग सेल से मिलके क्या है? बनी हुई होती है.
बोन का फंक्शन क्या होता है? द बोन आर गिव अटैचमेंट, बोन क्या करती है? अटैचमेंट देती है किसको? मसल्स एंड टेंडन्स को। और क्या करती है? प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी, और क्या करती है? इन बोन इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है? आपकी बोन स्ट्रक्चर है, एपिफाइसिस है, डाइफाइसिस है, स्पंजी बोन है, मेडुलर कैनाल है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है और हाइलेन कार्टिलेज होता है बोन के अंदर। तो नेक्स्ट क्या है अपना? स्ट्रक्चर ऑफ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है लॉन्ग बोन की, उसके बारे में क्या अपन डिस्कस करेंगे। तो दीज हैव ए डाइफाइसिस और ए शार्ट एंड, टू एपिफाइसिस और एक्सट्रीमिटीज। ये क्या रखती है? दीज हैव ए डाइफाइसिस, यहाँ पे क्या है? एक डाइफाइसिस होता है या एक शाफ्ट होती है, और दो क्या होते हैं? एपिफाइसिस या एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होते हैं। द डाइफाइसिस इज कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद ए सेंट्रल मेडुलर कैनाल। तो डाइफाइसिस है वो किससे बनता है? कंपोज ऑफ ए कॉम्पैक्ट बोन विद ए सेंट्रल मेडुलरी कैनाल। किसके साथ? सेंट्रल मेडुलर कैनाल के साथ। कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो, किसके साथ? फैटी येलो बोन मैरो के साथ। द एपिफाइसिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद कैंसिलस बोन इनसाइड। तो जो एपिफाइसिस है वो किससे बनता है? कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन के साथ क्या है ये एपिफाइसिस बना हुआ होता है। तो डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस आर सेपरेट बाय द एपिफिजियल कार्टिलेज। ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? एपिफिजियल कार्टिलेज के द्वारा क्या है ये सेपरेट होते हैं। विच ओसीफाई विद व्हेन ग्रोथ इज कंप्लीट। कब? जब ग्रोथ कंप्लीट होती है तब क्या है ये सेपरेट होते हैं। थिकनिंग ऑफ ए बोन अकर बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू अंडर द पेरिस्टोनियम। थिकनिंग ऑफ ए बोन अकर बाय द डिपोजिशन ऑफ ए न्यू बोन। थिकनिंग किस पे डिपेंड कब होती है? बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू अंडर द प्रियोस्टम। लॉन्ग बोन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाई ए वेस्कुलर मेम्ब्रेन। जो लॉन्ग बोन है वो ऑलमोस्ट किसके द्वारा कवर्ड रहती है? वेस्कुलर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है कवर्ड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिओस्टम बोलते हैं। द आउटर लेयर इज फाइब्रस एंड इनर लेयर इज ऑस्टियोजेनिक कंटेनिंग ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल होती है। एंड ऑस्टियोकास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन को फॉर्मिंग करने की सेल होती है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? बोन को डिस्ट्रॉय करने की सेल होती है। विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन। ये दोनों के दोनों क्या है? इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका किसके अंदर? रिमॉडलिंग ऑफ बोन का। बोन को रिमॉडलिंग करने में इनका मेन रोल रहता है। इट गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन एंड प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी। ये क्या करती हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं किसको? मसल्स एंड टेंडन। और प्रोटेक्ट करती हैं किसके? बोन फ्रॉम इंजरी। हाइलेन कार्टिलेज रिप्लेस पेरिस्टम ऑन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन फॉर्मिंग सेनेबल जॉइंट। तो बोन, लॉन्ग बोन क्या है? ऑलमोस्ट किससे कवर्ड रहती है? कंप्लीटली कवर्ड बाई ए वेस्कुलर मेम्ब्रेन पेरिस्टम। द आउटर लेयर इज फाइब्रस एंड इनर लेयर इज ऑस्टियोजेनिक कंटेनिंग ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल होती है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? बोन
डिस्ट्रंक सेल होती है विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन। दोनों के दोनों क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहता है किसके अंदर इनका, मेंटेनेंस और रिमॉडलिंग ऑफ बोन के अंदर। इट गेव अटैचमेंट टू मसल्स, और क्या करते हैं अटैचमेंट कराते हैं किसको, गिव टू अटैचमेंट टू मसल एंड टेंडन एंड प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी, और क्या करते हैं बोन की इंजरी को प्रोटेक्ट करते हैं। हाइलैंड कार्टिलेज रिप्लेस प्रियोस्टम ऑन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन फॉर्मिंग साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन एंड सिस्मोइड बोन। दीज हैव ए रिलेटिवली थिन आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद कॉन्टलेस बोन इनसाइड कंटेनिंग रेड बोन मैरो। दे हैव एनक्लोज बाय द पेरिस्टम एस्पेक्ट द इनर लेयर ऑफ द क्रैनियल बोन वेयर इट इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूरामेट्रिक। किसके द्वारा कहां पर रिप्लेस होती है, replaced by duramater. These have a relatively thin outer layer of compact bone. ये क्या है, thin layer और outer layer होती है किसकी, compact bone with cantilus bone inside containing red bone marrow. किसके साथ containing रहती है, red bone marrow के साथ. They are enclosed by periosteum aspect the inner layer of the cranial bone where is replaced by duramater. नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक प्लेट है इरेगुलर बोन का, क्या एक सेक्शन दिखाया गया है जिसके अंदर क्या दिखाया गया, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन। इसका एग्जांपल है स्कल का, एक स्कल का एक सेक्शन लेके उसमें से दिखाया गया है। नेक्स्ट है
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन के अंदर क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। टू द नेक्ड आई कॉम्पैक्ट बोन अपीयर सॉलिड बट ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लार्ज नंबर ऑफ हेवेन्स सिस्टम और ऑस्टेजेंस आर सीन। दीज कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल हेवर्सन कैनाल कंटेनिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। किससे बनती है, कंटेनिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व सराउंडिंग बाय द कनेक्टिव रिंग और प्लेट ऑफ बोन। बिटवीन दीज आर यूनेस्टिनी स्पेसेस कंटेनिंग टिश्यू फ्लूड एंड स्पाइडर स्पेस। ऑस्टोक्लास्ट मैच्योर बोन सेल कैनकुलाई लिंक टू विद ईच अदर एंड विद द सेंट्रल हेवर्सन कैनाल। The tissue fluid narrows the bone cell or arises between Hever's system containing interstitial remain of older system partly broken down during remodeling or growth of bone. The tubular arrangement of lamellae give bone greater strength than a solid structure of same size. ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाई गई है किसकी, कॉम्पैक्ट बोन की। इसके अंदर ये सेंट्रल हेवर्सन कैनाल है, ये हेवर्सन सिस्टम है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ लेमेंस है, लेमली है, फाइबर्स दिखाई गई हैं, पेरिस्टम दिखाई गई है, ब्लड वेसल दिखाई गई है। अगर आप एक सेक्शन लोगे बोन का तो बोन के अंदर आपको ये चीजें क्या हैं, सीन होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्पंजी बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।